बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पी एस को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एम सी क्यू डिटेल से डिस्कस किया था हमारा आज का टॉपिक है इंडिकेटर्स इसको भी हम एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एम सी क्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो ये है डिफ़ाइन इंडिकेटर या वट इज़ मंड बाई इंडिकेटर तो आपने बताना है इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कम्पाउंड यहाँ से लेकर अल्कल सोल्यूशंस तक इसी पैराग्राफ में इंडिकेटर की इंग्जाम्पल भी दी गई है ये भी आपने करनी है इस पेज पर एक और इंग्ज़ैम्पल दी गई है वो है फिनोफलिन ये भी आपने करनी है इस पेज पर कुछ एम भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिटमस इज़ अ कॉमन इंडिकेटर इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन फिनोफिलीन इज कलरलेस इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन एंड

के कलर्स शो किए गए हैं मिथाइल ऑरेंज लिटमस फिनोफ्थिल मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक मीडियम में रेड होता है और बेसिक मीडियम में येलो लिटमस एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करता है और अल्कलाइन मीडियम में ब्लू कलर शो करता है फिनोफ्थलिन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में रेड कलर शो करता है इस पेज पर मिथाइल ऑरेंज, लिटमस फिनोफिलीन के कलर्स दोबारा से बताए गए हैं मिथाइल ऑरेंज का कलर है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड और अल्कलाइन सॉल्यूशन में येलो कलर है कौन से पीएच पे मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करता है पीएच एच अविच कलर चेंजेस फोर लिटमस सेवन पे कलर चेंज करता है फिनोफलिन नाइन पे ये कलर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे दोबारा बता दिए गए हैं फिनफीलिन एसिडिक सल्यूशन में कलरलेस होती है और अल्कलाइन सोलूशन में रेड कलर शो करती है ये टेबल आपने अच्छे से कर लेना है एम के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है मयरिंग पी एच ओफा सल्यूशन ये एज अ लॉन्ग पेपर में आ सकता है क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा राइट मेथड फॉर मेयरिंग पी एच ओफा सोल्यूशन तो इसके टू मेथड्स हैं नंबर वन यूनिवर्सल इंडिकेटर और नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है यूनिवर्सल इंडिकेटर एज अ शॉर्ट भी पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको आ सकता है डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर और सिंपली पी एच इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर का सेकेंड नेम है पी एच इंडिकेटर तो आपको पी एच इंडिकेटर के नाम से आएगा तो भी आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर ही बताना है सेकेंड मेथड है द पी एच मीटर ये आप ये स्टार्ट करेंगे द पी एच ऑफ असल्यूशन यहां से लेकर यहां तक यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस पेज पर एक एग्जाम्पल दी गई है प्रॉब्लम टेन पॉइंट टू अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ जीरो पॉइंट ज़ीरो वन मोल वॉट इज़ इट्स पी एच वैल्यू ये पेपर में एज अ एम सी क्यू सिलेक्ट हो सकती है तो आपको इसकी पी एच डिराइव करनी आनी चाहिए और एम सी क्यू में चार ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें आपने सही वाले आंसर को सिलेक्ट कर लेना है ये प्रॉब्लम भी पेपर में एजा एम सी क्यों पूछी जा सकती है पी एच भी पूछी जा सकती है और पी ओ एच भी पूछी जा सकती है पी एच पूछी होगी तो आपने ये बताना है और पी ओ एच पूछी होगी तो आपने इसको सिलेक्ट करना है ऑप्शन दिए जाते हैं उस ऑप्शन में से आपने राइट आंसर को सिलेक्ट कर लेना है नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 10.4 यह भी पेपर में एज आ एम सी पूछा जा सकता है द पी एच ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज तो फिर इसका आपने राइट आंसर सिलेक्ट कर लेना है इसका आंसर वन पॉइंट सेवन ये तीनों एग्जाम्पल एज आ एम सी पूछी जाती हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है साल्ट। ये भी पेपर में एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एम सिलेक्ट हो सकता है डेफिनेशन आएगी साल्ट की तो आपने बताना है साल्ट आर आयनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अबेस यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो वो इस तरीके से आएगा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा डिफाइन अ साल्ट एंड गिव द कर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द साल्ट तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है सार्स की डेफिनेशन भी बतानी है फॉर्मेशन भी बतानी है और इस पेज पर कुछ एम भी हैं जो पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सार्स आर आइनी कंपाउंडस जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अबेस फॉर्मेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन में बेसिक रेडिकल के बारे में बताना है आपने और एसिडिक रेडिकल के बारे में बताना है आपने इस टेबल में एसिड्स एंड देयर साल्ट एसिड्स और उनके साल्ट के बारे में बताया गया है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये वाला साल्ट बनता है जब पोटाशियम मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो पोटाशियम नाइट्रेट बनता है जब जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो जिंक सल्फेट बनेगा कैल्शियम फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम फास्फेट बनता है सिल्वर एस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर एसीटेट बनता है नेक्स्ट टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ साल्स तो ये आपने यहाँ तक करनी है फर्स्ट प्रॉपर्टी है साल्स आर आइनी कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मोस्ट ऑफ द साल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द shape of the crystals for example copper sulfate calcium sulfate salts are neutral compounds although they do not have equal number of positive and negative ions but equal number of positive and negative charges यहाँ तक आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी ये एज एम सी भी पूछा जा सकता है आपसे एम सी इस तरह आ सकते हैं are Salts आर आइनी compounds फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म मोस्ट ऑफ द salts कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट का फार्मूला पूछा जा सकता है कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला पूछा जा सकता है आपसे साल्ट आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था कल हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे खुदा हाफिज़